गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में मॉडल टेस्ट पेपर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? जिसमें हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इंग्लिश ग्रामर में मॉडल टेस्ट पेपर 1 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल टेस्ट पेपर 1 में जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों, देखिए। चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम द वर्ब्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए जो आपको इस बॉक्स में सब्जेक्ट दिए हैं, आपको उनमें से जो भी सब्जेक्ट आपको जिस सेंटेंस में सूट कर रहा है वो आपको उसमें फिल कर देना है। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है। ब्लैंक इज मॉपिंग द फ्लोर, मतलब फर्श पहुंच रहा है। अब बताइए फर्श कौन पहुंच रहा है? मेरा भाई, एक पायलट, अ लिटिल बेबी, अ मेड सर्वेंट, अ मेड सर्वेंट, द चेयर या माय मदर। तो मेड सर्वेंट, तो द मेड सर्वेंट इज मॉपिंग द फ्लोर। क्या हुआ बच्चों? द मेड सर्वेंट इज मॉपिंग द फ्लोर, मतलब क्या हुआ, नौकरानी फर्श पहुंच रही है। ठीक है, द मेड सर्वेंट इज मॉपिंग द फ्लोर। चलिए उसके बाद सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। तो सेकेंड सेंटेंस क्या है, ब्लैंक फ्लाइज एन एरोप्लेन, मतलब एक एरोप्लेन उड़ाता है। कौन उड़ाता है बताइए आप मुझे? माय ब्रदर, अ पायलट, अ लिटिल बेबी, मेड सर्वेंट, द चेयर, माय मदर। बताइए कौन उड़ाता है? पायलट। तो इसमें क्या फिल होगा, अ पायलट। तो अ पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन, मतलब एक पायलट एक हवाई जहाज उड़ाता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, देखिए आप मेरा। तो थर्ड सेंटेंस जो है वो क्या है, ब्लैंक इज मेड बाय कारपेंटर। ब्लैंक इज मेड बाय कारपेंटर, मतलब बढ़ई के द्वारा बनाई गई है, बढ़ई के द्वारा बनाई गई है। बताइए क्या बनाया गया है? माय ब्रदर, द लिटिल बेबी, चेयर या फिर द मदर, माय मदर। बोलिए बढ़ई के द्वारा क्या बनाया गया है, बोलिए ना जल्दी से। चेयर, तो द चेयर इज मेड बाय कारपेंटर, मतलब बढ़ई के द्वारा कुर्सी बनाई गई है या कुर्सी बढ़ई के द्वारा बनाई गई है। चलिए उसके बाद हम अपना फोर्थ नंबर का जो सेंटेंस है उसको देखते हैं। ब्लैंक इज कुकिंग द फूड, तो बताइए कि जो फूड है वो कौन पका रहा है, बताइए आप जल्दी से, जो फूड है वो कौन पका रहा है? माय मदर। तो माय मदर इज कुकिंग द फूड, तो इसमें हमने क्या फिल किया बच्चों, माय मदर। तो माय मदर इज कुकिंग द फूड, मतलब मेरी माताजी भोजन पका रही हैं। माई मदर इज कुकिंग द फूड, मेरी माताजी भोजन पका रही हैं। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ नंबर का सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, ब्लैंक इज क्यूट एंड प्रिटी। ब्लैंक इज क्यूट एंड प्रिटी, तो बताइए इसमें हम क्या फिल करेंगे, मतलब प्यारा और आकर्षक है, कौन है, माई ब्रदर या फिर द लिटिल बेबी, छोटा बच्चा या मेरा भाई, छोटा बच्चा। तो द लिटिल बेबी इज क्यूट एंड प्रिटी। ओके, तो चलिए जो हमारा अगला सेंटेंस है वो क्या है, ब्लैंक इज अ डॉक्टर, तो इसमें अब हम क्या फिल करेंगे, माय ब्रदर। तो माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। तो बच्चों आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ आई कि क्या करना है आपको, आपको सब्जेक्ट चूज करके जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी है आपको उनमें फिल करना है। ओके, तो चलिए अब हम अपनी मॉडल टेस्ट पेपर 1 की सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। तो मॉडल टेस्ट पेपर 1 में सेकंड एक्सरसाइज क्या है, तो बच्चों मॉडल टेस्ट पेपर
में जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है वो है राइट द काइंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. राइट द काइंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस मतलब आपको क्या करना है, आपको जो सेंटेंसेस दिए हैं आपको उनके टाइप बताने हैं कि वो कौन से टाइप के सेंटेंस हैं. ओके तो चलिए जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, क्रॉस द ब्रॉड रोड मतलब चौड़ी सड़क पार करो. तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और इसमें क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है ना. तो ये कैसा सेंटेंस हुआ बच्चों, इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ. इसमें आप ऑर्डर दे रहे हो ना किसी को, तो ये कैसा सेंटेंस हुआ बताइए आप मुझे, इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो क्रॉस द रोड, क्रॉस द ब्रॉड रोड, ये कैसा, ये कौन सा सेंटेंस का टाइप हुआ, इम्पेरेटिव सेंटेंस का. तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके चलिए उसके बाद जो आपका सेकेंड सेंटेंस है वो क्या है, वेयर आर यू गोइंग. वेयर आर यू गोइंग मतलब तुम कहां जा रहे हो. तो आप बताइए क्या कर रहे हो, आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो ना. तो आप प्रश्न कौन से सेंटेंसेस में पूछते हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो ये हमारा सेकेंड वाला जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना. कौन सा सेंटेंस हुआ बच्चों, बताइए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. क्योंकि तुम कहां जा रहे हो, हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न हम किस में पूछते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पूछते हैं. तो सेकंड सेंटेंस जो है हमारा उसका टाइप क्या है बताइए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. चलिए उसके बाद अब हम अपना थर्ड वाला सेंटेंस देखते हैं. तो थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, द रोज इज द ब्यूटिफुल फ्लावर मतलब गुलाब एक सुंदर फूल है. तो बताइए बच्चों इसमें जो आपका सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है. कौन सा सेंटेंस है बच्चों, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है. ओके चलिए उसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस है वो क्या है, व्हाट एन अगली बॉय ही वॉज मतलब कितना बदसूरत लड़का है, कितना बदसूरत लड़का था. तो आपको ये सडन फीलिंग आई ना, अचानक से फीलिंग आई ना जब आपने जैसे ही उस लड़के को देखा, तो आपके मन में क्या आया, व्हाट एन अगली बॉय ही वॉज मतलब कितना बदसूरत बच्चा है, कितना बदसूरत लड़का है. तो बताइए ये सेंटेंस किस में गया, आपको सडन फीलिंग हुई ना, तो एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस. ये कौन सा सेंटेंस हुआ बच्चों, एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस. और इसमें देखिए एक्सक्लेमेंट्री साइन भी लगाया ना, तो व्हाट एन अगली बॉय ही वॉज आपको एकदम अचानक से फीलिंग हुई कि ये लड़का कैसा है, बहुत बदसूरत है. तो कितना बदसूरत लड़का है, लड़का था. आप जब उसके पास से निकले तो आपको अचानक से जो फीलिंग आई वो आपने बताई कि कितना बदसूरत लड़का था. तो ये कैसा सेंटेंस हुआ बच्चों, एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस हुआ. ओके चलिए उसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है वो क्या है, मे यू गेट सक्सेस. मे यू गेट सक्सेस मतलब तुम्हें सफलता प्राप्त हो. तो बताइए ये कैसा सेंटेंस है, इसमें हम इच्छा कर रहे हैं, विश कर रहे हैं आपके लिए कि आपको हमेशा सक्सेस प्राप्त हो, है ना. तो इसमें आपके लिए हम विश कर रहे हैं ना, आपके लिए इच्छा कर रहे हैं. तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें हम किसी के लिए विश करते हैं या इच्छा प्राप्त करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस. क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस. तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हुआ, ऑप्टेटिव. तो चलिए एक बार हम फिर से आपको सारे सेंटेंसेस को बता देते हैं. क्रॉस द ब्रॉड रोड कौन सा सेंटेंस था, इंपेरेटिव सेंटेंस. वेयर आर यू गोइंग कौन सा सेंटेंस था बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. रोज इज द ब्यूटिफुल फ्लावर कौन सा सेंटेंस था, असर्टिव सेंटेंस. व्हाट एन अगली बॉय ही वॉज कौन सा सेंटेंस था बताइए आप मुझे, एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस. ठीक है उसके बाद फिफ्थ नंबर पे था मे यू गेट सक्सेस, ये कौन सा सेंटेंस था बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस. तो बच्चों आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ आई, चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं. तो अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको क्या करना है, आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं आपको उनमें जो भी ग्रुप पूछा है आपको उसका ग्रुप बताना है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस क्या है आपका, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड मतलब जो फूलों का ग्रुप होता है, मतलब फूलों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है. आपने देखा है ना, फूल जब एक साथ बहुत सारे फूल होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, बुके कहते हैं. क्या कहते हैं, बुके मतलब गुलदस्ता. तो अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड बुके. क्या आएगा बच्चों, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड बुके.
अब जो शीप का ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, अब देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बच्चों, फ्लॉक। क्या कहते हैं, फ्लॉक। अ ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड फ्लॉक। एक बार फिर से बोलिए, अ ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड फ्लॉक। ओके, चलिए उसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो क्या है, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, मतलब प्लेयर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम। तो जब प्लेयर एक ही ग्रुप में होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, टीम। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम। चलिए उसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों का समूह, तो वो क्या कहलाता है, क्राउड। अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्राउड। अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चों, क्राउड। तो अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड बुके। अ ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड फ्लॉक। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम। अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्राउड। तो बच्चों आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ आई। चलिए तो अब हम मॉडल टेस्ट पेपर की अगली एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो अगली एक्सरसाइज हमारी क्या है, देखिए आप। तो जो हमारी फोर्थ नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है, सर्कल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। आपको क्या करना है, आपको इसमें जो भी आपकी कॉमन नाउन है उस पर आपको सर्कल करना है, और जो भी आपकी प्रॉपर नाउन है उस पर आपको अंडरलाइन करनी है। ओके, तो बच्चों आप जानते हैं कॉमन नाउन क्या होती है और प्रॉपर नाउन क्या होती है। जो भी चीजें बहुत सारी होती हैं उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, मतलब जो संख्या में, जो नंबर में ज्यादा हो, ठीक है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, जो चीज कॉमन है। और प्रॉपर नाउन जो पर्टिकुलर एक ही चीज है, जिसके बारे में हम पर्टिकुलर एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे आप अपना फर्स्ट सेंटेंस देखिए, रोहित इज द नेम ऑफ माय फ्रेंड। तो बताइए फ्रेंड जो वर्ड है वो तो बहुत सारे होते हैं, तो ये आपकी कैसी नाउन हुई, कॉमन नाउन। और रोहित बताइए क्या बहुत सारे लड़के हैं जिनका नाम रोहित है, नहीं ना, रोहित वो लड़का है जो मेरा फ्रेंड है। तो रोहित एक प्रॉपर नाम हुआ ना, एक पर्टिकुलर नेम हुआ ना, तो रोहित कैसा वर्ड हो गया, प्रॉपर नाउन। तो इस सेंटेंस में फ्रेंड आपका कॉमन नाउन है और रोहित आपका प्रॉपर नाउन है। ओके, चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस है वो क्या है, कोलकाता इज अ वेरी क्राउडेड सिटी, मतलब जो कोलकाता है वो बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर है। ठीक है, कैसा शहर है, भीड़ भाड़ वाला शहर। तो इसमें आपकी कोलकाता कैसी नाउन हुई बताइए मुझे, कोलकाता एक शहर का नाम है ना, और वो एक पर्टिकुलर नेम है, बहुत सारे कोलकाता तो नहीं है, एक ही कोलकाता है, और वो कैसा नेम है, प्रॉपर नेम है। तो इसीलिए ये आपकी कैसी नाउन हुई बच्चों, प्रॉपर नाउन हुई। ओके, चलिए उसके बाद आपकी सेकंड जो नाउन है वो है सिटी। सिटी आपकी कैसी नाउन हुई, शहर तो बहुत सारे हैं, आगरा, फिरोजाबाद, कलकत्ता, है ना, बहुत सारे शहर हैं। तो सिटी आपका कैसा नाउन हुआ बताइए, कॉमन नाउन। तो इस सेंटेंस में आपकी सिटी कॉमन नाउन है और कोलकाता प्रॉपर नाउन है। चलिए उसके बाद हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों हमारा, द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, मतलब गंगा भारत में सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत में सबसे लंबी नदी है। तो बताइए गंगा कैसी नदी है बच्चों, सबसे लंबी नदी है। तो इसमें आपकी थ्री नाउन है, एक तो गंगा, रिवर और इंडिया। गंगा बताइए एक प्रॉपर नेम है, तो कैसी नाउन हुई, प्रॉपर नाउन। रिवर बताइए एक ही रिवर होती है, प्रॉपर नेम है या कॉमन नेम है। रिवर तो बहुत सारी होती है ना, तो नदियां तो बहुत सारी हैं, गंगा, यमुना, बहुत सारी नदियां है ना, तो रिवर आपकी कैसी नाउन हुई, कॉमन नाउन। और इंडिया कैसी नाउन हुई बताइए, प्रॉपर नाउन। तो गंगा और इंडिया कैसी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और रिवर कैसी नाउन है, कॉमन नाउन है। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है, राजधानी है, किसकी, इंडिया की। तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी दिल्ली है। तो इसमें आपका जो
आपकी जो नाउन है वो क्या क्या है बताइए मुझे, दिल्ली और इंडिया। तो बच्चों इसमें जो दो नाउन है दोनों ही प्रॉपर नाउन है। दिल्ली एक शहर का नाम है, एक प्रॉपर शहर का नाम है, तो ये भी आपकी प्रॉपर नाउन हुई। इंडिया एक प्रॉपर कंट्री है ना, तो ये भी एक प्रॉपर कंट्री का नेम है ना, तो ये भी आपकी प्रॉपर नाउन हुई। तो इस वाले सेंटेंस में आपकी कोई भी कॉमन नाउन नहीं है। ओके चलिए अब हम अपना फिफ्थ नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो फिफ्थ नंबर का जो सेंटेंस है उसमें क्या है, केशव इज अ डॉक्टर। केशव क्या है, एक डॉक्टर है। तो इस सेंटेंस में बच्चों क्या है, केशव एक डॉक्टर है। इसमें केशव कैसी नाउन है बताइए आप, एक प्रॉपर नेम है, तो केशव कैसी नाउन हुई, प्रॉपर नाउन हुई। और डॉक्टर कैसी नाउन हुई, कॉमन नाउन हुई। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में रोहित आपकी प्रॉपर नाउन थी और फ्रेंड आपका कॉमन नाउन था। सेकेंड सेंटेंस में कोलकाता आपकी प्रॉपर नाउन थी और सिटी आपकी कॉमन नाउन थी। थर्ड सेंटेंस में गंगा एंड इंडिया आपकी प्रॉपर नाउन थी और रिवर आपका कॉमन नाउन था। फोर्थ सेंटेंस में दिल्ली और इंडिया दोनों ही प्रॉपर नाउन थी, इस सेंटेंस में कोई भी कॉमन नाउन नहीं था। एंड फिफ्थ वाले सेंटेंस में केशव आपकी प्रॉपर नाउन थी और डॉक्टर आपका कॉमन नाउन था। तो बच्चों आपको इंग्लिश ग्रामर के मॉडल टेस्ट पेपर की सभी एक्सरसाइजेस समझ आई। तो आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपको होमवर्क में इंग्लिश ग्रामर के मॉडल टेस्ट पेपर की सभी एक्सरसाइज अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है। कैसे, साफ और सुंदर राइटिंग में। आपको मेरी बात समझ आई बच्चों, आज आपको इंग्लिश ग्रामर के मॉडल टेस्ट पेपर 1 की सभी एक्सरसाइज अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है। कैसी राइटिंग में, साफ और सुंदर राइटिंग में। ओके चलिए गुड बाय।